700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद यह फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके मां बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, दो टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इसराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा।